नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। गर्मी के दिनों में जैसे प्याज के बिना खाना अधूरा लगता है, उसी तरह सर्दियों में सलाद में मूली जरूरी लगती है। मूली से हम सलाद के अलावा पराठे एवं उसकी सब्जी बनाते हैं, किंतु उसके पत्तों को फेंक देते हैं। आज हम बनाएंगे मूली के साथ उसके पत्तों की सब्जी। तो मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे एक मूली के पत्ते, जिसे कि मैंने धोकर रख लिया है, अभी मैं इसे बारीक काटूंगी। कुछ मूली के टुकड़े, दो छोटे कटे हुए प्याज, तीन कली लहसुन की से मैंने टुकड़ों में काट लिया है। छौंक के लिए दो चम्मच तेल, दो चम्मच सिका हुआ कुटा हुआ मूंगफली दाने का कूट, एक चम्मच सातला मसाला। सातला मसाला की विधि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच तिल्ली का कूट, जिसे भी मैंने सेक कर बारीक कर लिया है, और कुछ हमारे सूखे मसाले। मूली की पत्ती की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली के पत्तों को काट लेंगे। इसके ऊपर वाले कड़क भाग को हम लोग फेंक देंगे। इसी तरह से पत्ती के तरफ के भाग को भी, जो भी खराब है उसे हम निकाल देंगे। किनार वाला भाग इस तरह से निकाल देंगे। बीज का जो नरम हिस्सा है हमें उसे ही काटना है। इस तरह से हम इसे थोड़ा बारीक काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे पत्तों को काट लेंगे। पत्तियों के अलावा इसके जो नरम डंठल हैं, इसका स्वाद इस भाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें इन्हें भी थोड़ा बारीक बारीक काट कर ले लेना है। किनार वाले पत्तों को हम फेंक देंगे। मूली के पत्ते इस तरह से कट चुके हैं, अब हम इसे 5 मिनट के लिए उबालेंगे। सबसे पहले हम पैन में 3 कप पानी डालेंगे। पत्ते पहले से धुले हुए थे, इसलिए हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। भाजी काफ़ी नरम है, इसलिए हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालेंगे। यदि आपको मूली का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप इसे डायरेक्ट भी छौंक लगा सकते हैं। 2 से 3 मिनट में पत्ते उबलना शुरू हो गए हैं। 5 से 6 मिनट में पत्ते उबल के तैयार हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे। कुछ लोगों को मूली का स्वाद ज़्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए इन पत्तों को उबाल लेने से थोड़ा इसका कसैलापन निकल जाता है, तो इसकी भाजी बहुत स्वादिष्ट लगती है। पत्ते उबल चुके हैं, अब हम इसे छानकर एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम हाथ से निचोड़ेंगे। पत्ते ठंडे हो चुके हैं, थोड़े नर्म भी हो गए हैं, अब इसका बचा हुआ पानी भी हम निचोड़ के निकाल लेंगे। अब हम इसकी छौंक की तैयारी करेंगे। पैन गर्म हो रहा है, हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 ही चम्मच जीरा डालेंगे। क्योंकि हमारे सातले मसाले में सारे मसाले कंप्लीट हैं, इसलिए हमें इसमें दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी यदि आपके पास सातला मसाला नहीं है तो आप दूसरे सूखे मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्याज के साथ ही हम इसमें कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। मीडियम आंच पर प्याज भून रहे हैं। कटी हुई मूली को मैंने उबाली नहीं है, ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम इसे प्याज थोड़े भुनने के बाद में ही डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें मूली के टुकड़े भी डाल देंगे। कटी हुई मूली भी तेल के साथ में सिक रही है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि मूली के टुकड़ों में नमक का स्वाद समा जाए। आप यदि सातला मसाला नहीं डाल रहे हैं तो हमें इसी तेल में प्याज के थोड़ा भुनने पर और मूली के नरम होने पर ही हमें इसे सूखे मसाले जो हमारे हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डालना पड़ेगा। मूली थोड़ी नरम हो रही है, आप यदि ज़्यादा नरम मूली पसंद करते हैं तो प्याज के पत्तों के साथ उसे भी
कुछ देर उबाल सकते हैं। प्याज भून चुके हैं, इसके साथ हम अब पत्ते डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच हल्दी, नमक पहले भी डाल चुके हैं और हमारे मसाले में भी पर्याप्त नमक है। इसी के साथ हम इसमें हमारे सारे मसाले डाल देंगे। एक चम्मच सातला मसाला डाला है, गरम मसाला भी डाल देंगे, मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने और तिल्ली डालने से इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है और सब्जी काफ़ी मसालेदार दिखती है। मसालों का स्वाद पूरी तरह समाने के लिए हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मूली के साथ मूली के पत्तों की सब्जी बनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। मूली के साथ उसके पत्तों की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पराठे, पूड़ी, चपाती या दाल चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। वैसे यह ज्वार की रोटी और मक्का की रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने सुझाव मुझे देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।